अब ये फोन थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया मैं देख रहा हूँ मिलता है, इसके सारे वस्त्र हरण कर दिए गए हैं। तो दोस्तों फाइनली मेरे पास पोको M2 Pro मेरे पास फोन आ चुका है। ये अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास डिलीवर हुआ है। आज है 31 अगस्त और ये 25 अगस्त के आसपास मेरे पास ये फोन आ जाना चाहिए था, ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस फोन की अनबॉक्सिंग और पूरी स्पेसिफिकेशन डिटेल में, और एक हफ्ते बाद मैं इस फोन को यूज करके मैं आपको बताने वाला हूँ इसका रिव्यू कि ये फोन कैसा चल रहा है। तो फटाफट करते हैं इस फोन की अनबॉक्सिंग। तो करते हैं फटाफट इसे अनबॉक्स, यहाँ से ब्रेक करते हैं और दूसरी साइड से भी अपना निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये है मेरे पास वेरिएंट 664। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स की। तो हमें यहाँ पर बॉक्स पे सबसे ऊपर देखने को मिलता है पोको ब्रांड और बीच में हमें इसका वेरिएंट का नाम देखने को मिलता है जो कि M2 Pro है। और यहाँ पर नीचे की तरफ हम देखें तो यहाँ पर इंडियाज हैशटैग क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। लेफ्ट साइड की और राइट साइड की बात करें तो दोनों साइड हमें ब्रांडिंग देखने को मिलती है पोको M2 Pro की। नीचे की साइड हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, यहाँ ब्लैंक है। और यहाँ ऊपर की साइड हमें देखने को मिलती है कुछ डिटेल्स, जहाँ पर हमें इसकी प्राइसिंग देखने को मिलती है 17,999 में, लेकिन ये फोन मुझे मिला है 14,999 में। और यहाँ पर हमें इसका कलर देखने को मिलता है 2 shades of black विद 6GB एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके मेन हाइलाइट्स की जो कि बॉक्स के पीछे लिखी हुई है। हमें यहाँ पर इसका प्रोसेसर देखने को मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G जो कि 8 nanometers पे बना हुआ है हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर। और इसी के साथ हमें इनबॉक्स 33 volt का हमें फास्ट चार्जर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि हमारी 5000mAh बैटरी को बहुत ही फास्ट इंस्टेंट चार्ज कर देगा। इसी के साथ हमें फुल HD+ डिस्प्ले हमें यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर कुछ और भी डिटेल्स दी गई है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर 48 megapixel का AI क्वाड कैमरा सेटअप हमें देखने को मिलता है जो कि कैमरा इसका बहुत ही ज्यादा इनहेंस्ड है। और जैसे कि आपको पता ही है ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो फटाफट कर लेते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्स। लिड ओपन करते ही हमें यहाँ पर इसके कुछ पेपर वर्क भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं और इसी के साथ हमें यहाँ पर सिम टूल इजेक्टर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और यहाँ दिया गया है हमें कुछ पेपर वर्क और इसी के नीचे हमें दिया गया है इसका बैक केस। फोन के बाद हमें यहाँ पर बॉक्स के अंदर और क्या देखने को मिलता है, इसी के नीचे हमें यहाँ पर बॉक्स में 33 वोल्ट का एक चार्जर हमें देखने को मिलता है जो कि बहुत ही फास्ट चार्ज हमारे फोन को कर देगा। और इसी के साथ हमें यहाँ पर A to C की केबल हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, वो भी बहुत ही इफेक्टिव कलर ऑरेंज के साथ जो कि बहुत ही अच्छी लुक दे रही है इसको। और ये जो सिलिकॉन केस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और फ्लेक्सिबल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी कि और फोनों के साथ व्हाइट कलर का सिलिकॉन केस आता है जो कि टाइम के साथ डल हो जाता है और वो येलो येलो इशू के अंदर कलर देखने को मिल जाता है, लेकिन ये जो कलर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ग्रे कलर, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, ये ज़्यादा ड्यूरेबल भी रहेगा। और इन सारी चीज़ों को कर देते हैं साइड और हमारे फ़ोन को करते हैं अनकवर। मैं इसे फटाफट इस पन्नी से निकाल लेता हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको फर्स्ट लुक, जो आपको इसका फर्स्ट लुक कैसा दिखने वाला है। ये फोन है मेरे पास 2 shades of black कलर में और जैसे कि आप इसका फर्स्ट लुक देख पा रहे होंगे कि ये कैसा दिख रहा है, मुझे ये बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फील हो रहा है, हाथ के अंदर बहुत ही ज्यादा ग्रिप फील हो रही है कि फोन गिरेगा नहीं। और जो इसके राउंडेड शेप्स जो है ये बिल्कुल अच्छी ग्रिप दे रहे हैं इस फोन को। हम बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की, इतने मैं कर देता हूँ इस फोन को बूट। बात करते हैं इसके ऊपर की साइड की, तो हमें यहाँ पर सेकेंडरी माइक देखने को मिलता है और इसी के लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इंफ्रारेड सेंसर जिससे हम हमारे टीवी को या फिर एसी को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड की हम बात करें तो हमें यहाँ पर अपर की साइड में सिम ट्रे देखने को मिलती है, नीचे हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं देखने को मिलता। नीचे की साइड हम बात करें तो हमें यहाँ पर सबका चहेता 3.5mm जैक देखने को मिलता है, टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलता है और उसी की साइड में हमें प्राइमरी माइक देखने को मिलता है और एक स्पीकर ग्रिल हमें देखने को मिलती है। और राइट साइड की हम बात करें तो हमें यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर हमें देखने को मिलता है और इसी के ऊपर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं हमारे वॉल्यूम रॉकर्स। यही बात करें हम इसके मेन कैमरा की, तो हमें यहाँ पर क्वाड कैमरा सेटअप हमें देखने को मिलता है जिसमें हमें प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है 48 मेगापिक्सल का विद 1.8 अपर्चर के साथ, 8 मेगापिक्सल का हमें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है, 5 मेगापिक्सल का हमें मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है और 2 मेगापिक्सल का हमें डेप्थ सेंसर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जिससे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं हमारी 4K 30 frames per second के साथ इसकी वीडियो इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसी के नीचे हमें यहाँ पर ड्यूल LED फ्लैश देखने को मिलती है जिसमें हमें सपोर्ट मिलता है इलेक्ट्रॉनिकली इमेज स्टेबिलाईजेशन के साथ जो कि थोड़ा सा हमें यहाँ पर गिम्बल का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा इसमें EIS के साथ। बात करते हैं हम इसके सेल्फी कैमरा की, जो हमें यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा जो कि 2.5 वाइड एंगल के साथ हमें देखने को मिलता है। तो हमारा फोन यहाँ पर बूट हो चुका है, मैं इस फोन को फटाफट कर देता हूँ सेट पूरा इसके अंदर सारी चीजें डाल के। सिम ट्रे की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमें यहाँ पर ड्यूल नैनो सिम के साथ SD कार्ड का भी हमें यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इसके बायोमेट्रिक सिस्टम की, जहाँ पर हमें फिंगरप्रिंट की बात करें तो ये बिल्कुल आपके सामने की बात करूँ तो एक टच में ये बिल्कुल ऑन हो जाता है। और बात करते हैं इसके फेस अनलॉक की, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे फेस अनलॉक
भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसके अंदर वर्क कर रहा है। बिल्कुल सेकंड के अंदर, विद इन ए सेकंड ये फोन अनलॉक हो जा रहा है। हम फोन के अंदर सीधे चले जाते हैं, हमें कोई भी इंटरप्शन हमें देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों इसका जो बायोमेट्रिक सिस्टम है बहुत ही बढ़िया इसके अंदर पोको ने इनबिल्ट किया है, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। अब चलते हैं फोन की सेटिंग्स में, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा इसके अबाउट फोन में जाके इसकी सारी स्पेसिफिकेशन हमें क्या देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम इसके एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो हमें यहाँ पर एंड्रॉइड 10 का हमें यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि ये बेस्ड है एंड्रॉइड 10 पे। और बात करूं मैं यहाँ पर चिपसेट की, तो हमें यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि 8 नैनोमीटर्स पर बना हुआ है। और जीपीयू की मैं यहाँ पर बात करूं तो हमें यहाँ पर एड्रीनो 618 हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि इसके ग्राफिक्स बहुत ही स्मूथ हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। पर मैं बात करूं इसके स्क्रीन की, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसके अंदर 4K अल्ट्रा HD वीडियो कितनी स्मूथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसे मैं कर देता हूँ बिल्कुल फुल HD रेजोल्यूशन, जहां पर आप स्क्रीन की क्वालिटी आप देख ही पा रहे होंगे कितनी क्लियर हमें यहाँ पर स्क्रीन की क्वालिटी हमें देखने को मिलती है, जो कि इसके कलर्स हैं वो एक एक कलर कितना निखर के हमें यहाँ पर सामने आ रहा है। स्क्रीन के साथ हमें इसके अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी स्क्रीन बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा HD वाइट हमें यहाँ पर क्लियर देखने को मिलती है। तो इसमें हमारा PUBG डाउनलोड हो चुका है और इसके अंदर मैंने अपनी ID डाल ली। बात करते हैं इसके कुछ सेटिंग्स की। सेटिंग्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है हाई के साथ HD में, और HDR का ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। बैलेंस्ड पे हम अल्ट्रा के साथ चला सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मेरे को हाई सेटिंग्स मुझे देखने को नहीं मिलती हैं। एक गेम स्टार्ट करके देख लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि इसके जो फ्रेम रेट्स हैं वो तो ब्रेक नहीं होते हैं और लैग का ज्यादा सीन तो नहीं है इसके अंदर। एक गेम खेलते हैं, हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि इस फोन के जो गेम्स की कैपेसिटी है कि नहीं। इसके अंदर जो एड्रीनो हमें 618 दिया हुआ है वो कितना परफेक्ट वर्क कर रहा है वो भी पता चल जाएगा। जैसे कि हमारा एक गेम ऑन हो चुका है और इसके अंदर लैग वाला इश्यू मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, हालांकि अभी गेम ऑन हुआ है। और गेम ऑन होते के साथ यहाँ पर इसके अंदर ये नया इफेक्ट जो आया है, तब से गेम बेकार हो ही चुका है। बाकी इसकी बात छोड़ते हैं और यहाँ पर लैग वाला इश्यू मुझे नहीं देखने को मिलता, बहुत ही स्मूथ इसके अंदर ये चल रहा है। फोर फिंगर के अंदर भी ये बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है, इसके अंदर मुझे कोई और इशू देखने को नहीं मिलता है। तो हम इस गेम से तो आ जाते हैं बाहर, मुझे गेम के अंदर कोई इशू देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों ऑल एंड ऑल की बात करूँ, सारी चीजें देख मिला के अगर मैं बात करूँ ब्राइटनेस की, स्क्रीन की, बैटरी की और इसकी परफॉर्मेंस की, तो इसके मुझे फोन बहुत ही ज्यादा बेटर और इम्प्रूव्ड लगा पोको की तरफ से। फोन के अंदर मुझे कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन इसके कुछ हीट इश्यू की अगर मैं बात करूं तो वो तो मुझे फोन चलाने के बाद ही पता चलेगा। इस फोन में मुझे बिल्कुल कोई कमी नहीं लग रही है और एक हफ्ते बाद मैं इसका रिव्यू देने वाला हूं कि एक हफ्ते इस फोन को मैं अच्छे से यूज करूंगा और इसकी परफॉर्मेंस, बैटरी परफॉर्मेंस, हर एक चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अनबॉक्सिंग के साथ।